युद्ध नहीं करोगे मनुष्य? ताऊ कहते हैं जो चीज प्रकाशित होती है वो दिव्य होती है और दिव्यता को प्रणाम किया जाता है, उस पर प्रहार नहीं किया जाता। उचित ही है बालक, तुम्हारे प्रहारों का मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा। मैं भगवान वरुण का सेवक और जलाशयों का स्वामी यक्ष, यहां मेरा साम्राज्य है। यहां आने वाले जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, जब तक उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं मिलता, मैं उन्हें मुक्त नहीं करता। मेरे प्रश्नों का समाधान अगर कोई नहीं कर पाता तो मैं उसे मृत्युदान देता। यदि कोई पशु जीव जंतु यहाँ आए तो आप उनकी भी मृत्यु कर देंगे? पशु जीव जंतु आदि तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु के पास विद्या संपादन करके। किंतु जिसे गुरुकुल जाने की अनुमति ही ना हो तो? अपने अनुभव से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं तो बालक हूँ। मेरे पिताश्री कहते हैं कि बालकों को ना ही गुरुकुल का ज्ञान होता है ना ही अनुभव का, इसलिए बालक का ज्ञान ही नहीं अभूत होता है। अज्ञानी और अभूत में क्या भेद है महाशय? अज्ञानी वह है जो सीख कर भी कुछ नहीं सीखता, ना अपने गुरु से ना अपने अनुभव से, और अभूत वो है जिसने अभी सीखना आरंभ ही नहीं किया। तो मैं क्या हूँ? तुम अभूत। मैं अज्ञानी नहीं? नहीं। तो अभूत को प्रश्न करके क्या लाभ? आपने मेरे सारे प्रश्नों के यथार्थ उत्तर दिया है। मैं आपको मुक्त करता हूँ। मूर्ख बालक, तुम मेरे बंधन में हो। तो फिर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम अभूत हो और मैं ज्ञानी, और ज्ञानी का कर्तव्य है अभूत को ज्ञान देना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुक्त हो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे। अभूत तो प्रश्नों से ही पराजित हो सकता है। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। पराजय ही नहीं, मैं तुम्हें तो वरदान भी दूंगा। तो पहला प्रश्न, कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और कुछ लोग वैश्य सूत बनकर क्यों जन्म लेते हैं? ये बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जो पाप करता है वो वैश्य और सूत बनकर इस जन्म में सेवा करता है, और पूर्व जन्म में जो पुण्य करते हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनकर इस जन्म में सेवा प्राप्त करते हैं। पाप और पुण्य क्या है? किसी को पीड़ा देना पाप है, किसी को सुख देना पुण्य। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे बालक। अब तीसरा प्रश्न, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सत्य जानते हैं तो पीड़ा देकर पाप क्यों एकत्र कर रहे हैं? क्या आने वाले जन्म में वैश्य और सूत बनने का प्रयत्न कर रहे हैं? बहुत बुद्धिमान हो बालक। महर्षियों ने कर्मों का सिद्धांत मनुष्य को सिखाया ही इसलिए था कि मनुष्य एक दूसरे के साथ शोषण ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। किंतु बालक, आश्चर्य है, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण ही कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं और नीची जाति का शोषण करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर
मेरे पास नहीं है बालक। तो फिर आपको मुझे एक वरदान देना होगा। आपने जो इस जलाशय को सुखाया है, आपको इसे फिर से भरना होगा। किंतु बालक, वरदान प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें एक बात समझनी आवश्यक है। ये जलाशय मैंने नहीं सुखाया और ना ही किसी चमत्कार से सूखे, ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं निषिद्ध नहीं कर सकता, किंतु अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। ये सत्य जानकर अपना वरदान प्राप्त करो। ये किस प्रकार संभव है? जल की ध्वनि आ रही है। क्या बालक के बलिदान ने जल देवता को प्रसन्न कर दिया? नहीं, मेरे कान का बलिदान नहीं हो सकता है। इतना जल पी लिया है, 3 दिन तक जल नहीं पीना पड़ेगा। भाइयों, इस अतिथि के नन्हे से बच्चे ने तो चमत्कार कर दिया। अब हम सूतों के पास 2 जलाशय हो जाएंगे। इसे तो पूरे गांव की ओर से भेंट मिलनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बालक? कर्ण। मेरे भ्राता कर्ण। कर्ण नाम है तुम्हारा? कर्ण का तो अर्थ होता है काटने वाला, और तुमने तो वास्तव में भूमि को काटकर जल की धारा बहा दी। वत्स कर्ण, हम सभी तुमसे बहुत प्रसन्न है।
इसलिए सूत समाज की ओर से तुम्हें एक कुआं भेंट करते हैं। आज से इस कुएं पर तुम्हारा अधिकार होगा और हम सभी इसे कर्णकूप के नाम से जानेंगे। क्या आप सत्य में इस जलाशय पर मेरा अधिकार स्वीकार करेंगे? तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें दान देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था किंतु सूख गया। लोहार महोदय, क्या आप मेरा दान स्वीकार करेंगे? असंभव। इस जलाशय पे लोहारों का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अपना दान निश्चित करना होगा। महोदय, मेरे पिताश्री कहते हैं दान निश्चित नहीं किया जाता, फिर चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो, इससे दान का अपमान होता है। और यह जल देने में हमारे समाज का अपमान होता है। जीते जी हम यह अपमान कभी नहीं सहेंगे। अपमान किस प्रकार का महोदय? जल पर तो सबका अधिकार है ना? जल पर सबका अधिकार होता है किंतु जलाशय पर सबका अधिकार नहीं होता। समाज की व्यवस्था पर प्रश्न कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, अबुद्ध है मेरा पुत्र, व्यवस्था और न्याय का अंतर नहीं समझ सकता। तो समझो, समाज की व्यवस्था में ही न्याय है। किंतु ताऊ, आपने तो कहा था कि न्याय जीवन दान देता है। ईश्वर का न्याय जीवन दान देता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय करुणा से जन्मा है। मनुष्य का न्याय लालसा से जन्मा है। वो केवल मृत्यु या पीड़ा दे सकता है और कुछ नहीं। और शास्त्रों में लिखी व्यवस्था पर प्रश्न उठाना विरोध होता है। ही तो सामर्थ्य का प्रमाण होता है। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं।
किंतु मैं व्यवस्था को न्याय नहीं मानूंगा। और विशेषण महोदय, आप ही ने कर्ण का अधिकार इस कुएं पर मान्य किया है। जो अधिकार उसका है उस पर आपका अधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस कुएं का जल किसे प्राप्त होगा इसका निर्णय तो केवल कर्ण ही कर सकता है। ये भी तो समाज की व्यवस्था ही है। आपको तो समाज के नियमों की जानकारी होगी। समस्त समाज के विरोध में खड़े होने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और कोई सूखा कुआ है निकट में? इसे दंड देने के लिए किस कुएं में डालेंगे? अरे वैशाली, मेरे भ्राता श्री तो उस कुएं से भी जल निकाल लेंगे। चलो यहाँ से। हमें एक महायज्ञ का आयोजन करना होगा महाराज। समस्त हस्तिनापुर में एक संदेह है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो राजा बैठा है वो नेत्रहीन है। यही कारण है ना उनके संदेह का? तो फिर ऐसे यज्ञ से क्या लाभ ताछरी? उससे हमें हमारी दृष्टि तो नहीं मिलेगी। महायज्ञ से प्रजाजनों को दृष्टि प्राप्त होगी। एक सुख की आशा से बढ़कर और जीवन दृष्टि कोई यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है महामहिम। जिस दिन मेरी बहन की कोख से हस्तिनापुर का युवराज जन्म लेगा उसी दिन हस्तिनापुर की प्रजा स्वयं प्रसन्न होकर नाचने लगेगी। और सारे संदेह भी मिट जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। महाराज पांडु की ओर से शुभ संदेश आया है। विदुर, मेरे अनुज पांडु ने क्या संदेश भेजा है? मेरा अनुज कैसा है? वन में सब कुशल से तो है। कुंती कैसी है? माधुरी सुख रूप से तो है। सब कुशल मंगल है महाराज। भ्राता पांडु का संदेश है कि हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए। ईश्वर की कृपा से महान सम्राट के वंश में प्रथम राजकुमार का जन्म हुआ है। भ्राता पांडु कहते हैं कि कुंती का ये पुत्र आपके चरणों की सेवा को सौभाग्य मानेगा। सत्य और धर्म का सदैव पालन करेगा। युद्ध में सदा ही स्थिर रहेगा। मैंने उसे आपके आशीर्वाद से युधिष्ठिर नाम दिया। अभिनंदन महाराज, आपको भी अभिनंदन गंधार राज। हस्तिनापुर का प्रथम युवराज जन्म ले चुका है। युवराज नहीं ताचरी,
राजकुमार कहिए। महाराज ये तो अति शुभ समाचार है। हाँ, और शकुनी तो चाहता है कि आपको इस शुभ समाचार की घोषणा स्वयं नगरजनों में जाकर करनी चाहिए। यही उचित होगा महाराज। उत्सव का समय है, उत्सव का समय है, नाचो गाओ झूमो। भोजन को स्पर्श भी नहीं किया है। जब मनुष्य के हृदय को भय स्पर्श करता है ना, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भय किससे माता? पुत्र, तुमने वो दान देकर अवश्य पुण्य का कार्य किया है, किंतु क्या वो उचित था? दान देते समय भी उचित अनुचित का विचार करना आवश्यक है माता। नहीं पुत्र, किंतु समाज के विरोध में दिया गया दान अवश्य पीड़ा उत्पन्न करेगा। तो क्या पीड़ा के भय से पुण्य का त्याग करना उचित है माता? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है पुत्र। केवल हृदय में तुम्हारे लिए भय। अपने हृदय को शांत कर दीजिए माता। मेरे दिए गए दान से किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी। चलिए भ्राताश्री, हस्तिनापुर के राजकुमार ने जन्म लिया है। महाराज की ओर से उत्सव का आदेश है। भाग्य में अंधकार भर दूंगा, अंधकार भर दूंगा भीष्म। मेरा ये घाव मुझे प्रतिशोध का प्रतिपल स्मरण दिलाते रहेगा। जब तक गांधारी की संतान हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं होती, तब तक
शकुनी विश्राम नहीं लेगा। गंधारराज शकुनी, एक समस्या पड़ी है। समस्या नहीं मदनजय, उत्सव है उत्सव, पांडु का पुत्र जन्मा है। हस्तिनापुर का राजकुमार जन्मा है। होली मना, होली मना। होली? किंतु होली कथा नहीं जानते, होली कथा नहीं जानते। सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई, हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई, प्रहलाद को गोद में लेकर, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता पर बैठी, चिता पर बैठी, चिता प्रज्वलित हुई। ठीक उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की राजनीति की चिता पर मेरी नियति मेरे स्वप्नों को गोद में लेकर बैठी। और मेरे स्वप्न जल गए, है ना महादेव? किंतु प्रहलाद तो नहीं जला था। यही तो मेरा दुर्भाग्य है मदनजय, मेरी नियति नहीं जली, मेरे स्वप्न जल गए। गंधारा शकुनी, ये आपने क्या किया? बहुत पहले गांधारी के विवाह के समय मैंने अपने आप को घाव लगाया था, घाव भर गया था। मेरे घाव की पीड़ा का विस्मरण हो गया था, किंतु आज मैंने अपना घाव फिर से हरा कर दिया है महादेव। महादेव, आपने मेरी बहन को वरदान दिया था महादेव, कहाँ है वो वरदान? कहाँ है मेरे बहन के 100 पुत्र? पांडु को संतान देकर आपने मेरे स्वप्नों को छीन लिया है महादेव। युधिष्ठिर को प्रथम राजकुमार बनाकर आपने मेरे जीवन में अंधकार भर दिया महादेव। किंतु मैं भी क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानता हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है प्रतिशोध, इसीलिए आज शकुनी अपने रक्त से आपको वचन देता है महादेव कि मेरे जीवित रहते हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर कभी नहीं बैठेगा। जो विष इस पांडु पुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा। महाराज, सिपाहियों, इन्हें शीघ्र महल ले जाओ। जो विष इस पांडु पुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा। जो विष इस पांडु पुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सब
सर्वनाश कर दूंगा। चलो उद्याक्ष। किंतु गांधर राज शकुनी, इसने मुझे अपना क्षत्रिय धर्म स्मरण करा दिया। प्रतिशोध उस बालक के कारण मेरे जीवन में विष भरा है। महादेव की सौगंध, अब उसके कारण समाज के जीवन में मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा। भय नहीं लगा है? भय की क्या बात है, मैं तो सांप को हाथ से पकड़कर फेंक देती हूँ। सांपों के दांतों में तो विष होता है, यदि काट ले तो मनुष्य क्षण भर में मर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर अर्थवर्ण के वेद मंत्र को पढ़ो तो सांप का विष उतर भी सकता है। किंतु करण तो सूत है, वो किस प्रकार वेद मंत्र पढ़ सकता है? कथा सुननी है या विवाद करना है? राधाश्री आगे बोलिए ना। वो सांप थे ही नहीं, वो माया थी यक्षराज की। ओ, वो माया थी, तब तो बात समझ आ गई। चलो चलकर खेलते हैं। चलो वैशाली हेरो। कर्ण आगे सुनाओ। आगे कुछ नहीं, मैंने यशराज के सामने हाथ जोड़ लिए। सेनापति कौन है? ये तुम लोग निश्चित कर लो। ये कर्ण तुम्हारी रक्षा करने वाला है। किंतु तुम उस कुएं से जीवित निकल कर नहीं आई हो ना? कर्ण के पास अधिक शक्ति है। कर्ण तुम ऋषाली की चिंता मत करो, तुम अपने पराक्रम सुनाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, यदि जा रही हो तो। कर्ण विस्तार से सुनाओ। मुझे वैशाली के शब्दों का स्मरण हो रहा है। वैशाली वैशाली ने ये कहा था कि माया को वश में कर लेना पड़ता है, जैसे वैशाली ने भूतों को वश में किया है। सेनानायक तो वही होता है ना, जो साहस की प्रेरणा और मार्गदर्शन कर सके। तुम बुद्धिमान, इन सब की तरह मूर्ख नहीं, तो तुम मुझे अपनी सेना का सैनिक बना लो। अवश्य सैनिक। अब ये बताओ कि यक्ष ने क्या कहा? अध्यक्ष पुत्र कर्ण, लोहारों को कुआ दान में देकर तुमने सूत समाज का विरोध किया था ना? नहीं महोदय, मैंने तो केवल दान दिया है। उसका विरोध तो आपने किया है। जिस कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है।
कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है। जल में यदि विष होता तो मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई? अति उत्तम, स्वयं मृत्यु का दान देकर रक्षा की अपेक्षा है। जो लोहारों को वो कुआं दान में दिया था उसमें विष था। अवश्य इसका दोषी मेरे पुत्र कांड को ठहराएंगे। दादा जी चलिए। इन सब की हत्या करके अब मगरमच्छ के आंसू बहाने का क्या अर्थ है? आपको इस बालक ने कुआं दान में नहीं दिया था? यदि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं तो किस कारण इस बालक ने अपने ही सूद समाज के विरुद्ध यह निर्णय किया? अवश्य ही इस बालक को ज्ञान था कि जल में विष है। स्वयं मुझे वो जल वरदान में दिया था।
फिर दान देने के पश्चात तुमने ही जल में विष मिलाया होगा। नहीं। लोहारों के विश्वास पे विजय प्राप्त करके तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। महोदय, ये सत्य नहीं है। ये असत्य है महोदय। यही सत्य है बालक। तुमने ही इन सब की हत्या की है। तूने ये दुष्टता की है तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु बालक, वरदान प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें एक बात समझनी आवश्यक है। ये जलाशय मैंने नहीं सुखाए, ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए अक्षर, मुझे आपकी बात का सत्य समझ में नहीं आया। निर्णय तो केवल ग्राम रक्षक ही कर सकता है। रक्षा कीजिए महोदय, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। नहीं, इसने कुएं के जल में विष मिलाया है। इसका न्याय हम करेंगे। मगध ग्राम में केवल ग्राम रक्षक न्याय कर सकता है। अनुशासन करने का कार्य केवल मैं कर सकता हूं, वो अधिकार अन्य किसी को नहीं। किंतु महोदय, इस बालक ने हमारे कुएं के जल में विष मिलाकर हमारी हत्या का प्रयास किया। नहीं,
या सत्य? सत्य और असत्य की परीक्षा का एक ही मार्ग है। भ्राता पांडु का संदेश है कि हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए। ईश्वर की कृपा से महान सम्राट के वंश में प्रथम राजकुमार का जन्म हुआ। रानी का कर्तव्य है सिंहासन को उत्तराधिकारी देना, किंतु तुमने मेरी सभी आशाओं को राख में परिवर्तित कर दिया। गांधारी, महापांडु की पत्नी ने कुरुवंश के जेष राजकुमार को जन्म दिया है और तुमने मुझे क्या दिया? शिव का कोई वरदान वास्तव में था या केवल महारानी बनने के लिए छल किया तुमने मुझसे? नहीं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास? विश्वास का अर्थ जानती हो तुम? विश्वास प्रमाण देकर प्राप्त किया जाता है गांधारी, शब्दों से नहीं। किस प्रकार विश्वास करूं तुम पर? 2 वर्षों से गर्भ धारण कर रखा है तुमने, प्रसव क्यों नहीं हो रहा? 1 उत्तराधिकारी की इच्छा की थी तुमसे मैंने, तुम मुझे वो तक ना दे सकी। आज तक अपमान से अधिक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उपहास किया मेरा, अपने प्रसव को रोककर मुझे मेरे पुत्र के प्रेम से वंचित रखा। क्या कारण है गांधारी? तुम्हें हस्तिनापुर की सम्राज्ञी बनाया, क्या उसका दंड दे रही हो मुझे? या तुम्हें अधिक से अधिक प्रेम किया मैंने, उसका दंड दे रही हो मुझे? सुन लो गांधारी, या तो मुझे उत्तराधिकारी दो और अपने कर्तव्य का पालन करो, या फिर मृत्यु को प्राप्त करके मुक्त कर दो मुझे। आर्य, 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 कौन हो तुम मेरे गर्भ में? जन्म क्यों नहीं ले रहे हो तुम? क्यों जन्म से पूर्व ही अपनी माता से शत्रुता कर ली है तुमने? भगवान शिव, आपने मुझे वरदान दिया था या अभिशाप? अपने ही वरदान को सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? मेरे पुत्र का जन्म हो जाने दीजिए भगवान। मेरा गर्भ ही मेरे प्राणों का भार बन चुका है। प्रसव हो जाने दीजिए भगवान। प्रसव करवा दो या फिर मुझे मेरे जीवन से मुक्त कर दो। सब करवा दो या फिर मुझे मेरे जीवन से मुक्त कर दो। सब करवा दो या मुझे मेरे जीवन से मुक्त करो। सब करवा दो या मुझे मेरे जीवन
सूतपुत्र कर्ण, मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूँ, क्या तुमने विष का प्रयोग किया था? नहीं। तो ठीक है, इस उबलते तेल में अपना हाथ डालो। यदि तुम्हारा हाथ जल गया तो तुम्हें असत्य कहने का दंड प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम सुरक्षित रह गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सत्य तुम्हारे पक्ष में है। नहीं। आप निश्चिंत रहिए माता, सत्य मेरे पक्ष में है, मुझे कुछ नहीं होगा। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूं। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। यदि कर्ण का कवच हस्तिनापुर में प्रकट हुआ तो ये समाचार महारानी कुंती तक पहुंच सकता है। यह संभव है। दया बहुत है, वो बालक है। बालक जिस पर हत्या का आरोप है। बालक तुम सिद्ध करो कि तुम निर्दोष हो। मेरा पुत्र निर्दोष।
अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, मृत्यु दंड।